भूटान ने चीन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, समझौता कहें या पैक्ट कहें, एक नया संबंध स्थापित करने की कोशिश की है जिसका महत्व चीन काफी दे रहा है। चीन का अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विवाद के कारण दशकों से कई देशों से संबंध खराब रहे, लेकिन उसने बड़े अथक परिश्रम के साथ पहले एक्स यूएसएसआर के साथ, बाद में वियतनाम, मंगोलिया और कई देशों के साथ इसको सुलझाया है। हालांकि भारत के साथ यह चीज नहीं हो पाया है और भूटान के साथ भी यह नहीं हो पाया। भूटान के साथ भी दशकों से कोशिश रही है, लेकिन डोकलाम कन्फ्लिक्ट के बाद से, 2017 के बाद से यह खटाई में पड़ गया था और फिर से यह पैक्ट किया गया है, कोशिश की गई है और भूटान भी इसको महत्व देता है। हालांकि भूटान के फॉरेन डिपार्टमेंट से जब यह सवाल पूछा गया, भारत के पत्रकारों ने कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि यह मामला अभी सेंसिटिव है, इस पर वो आगे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। चलिए, यह भूटान की इच्छा है। वैसे है बता दूं कि जहां तक भूटान की विदेश नीति की बात है, यह 2008 तक भारत पर निर्भर था, भारत ही डिसाइड करता था। 2008 के बाद से उसने स्वतंत्र नीति अपनानी शुरू की, उस पर हम आते हैं। तो यह पैक्ट है, इससे वह थ्री स्टेप रोड मैप कहते हैं और इसके बारे में कहा गया है कि 2017 के बाद से जो मसला खटाई में पड़ गया था, यानी भूटान चीन के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो खटपट हो रहे थे, उसको सॉल्व करने के लिए अब एक नया इम्पीटस, एक नया जोश आएगा और उसको वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए यह बैकड्रॉप क्या है, इस बीच में इंडिया और चाइना का संबंध भी खराब हुआ है, लद्दाख के बारे में आपको पता होगा, और पिछले 17 महीनों से कई दौर के वार्तालाप हो चुके हैं, अभी पिछले हफ्ते भी हुआ था जो असफल हो गया है। चलिए, हम इंडिया को इसमें ज्यादा ना लाएं, हालांकि इंडिया ने कहा है कि वो इसे देख रहे हैं और बड़े ही कॉशस है इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया को झटका लगा है, क्योंकि यह जो समझौता हुआ है भूटान और चीन के बीच में, यह इंडिया के जानकारी में नहीं था ऐसा लगता है। क्योंकि एक कारण और है कि भूटान एक एब्सोल्यूट लैंडलॉक्ड कंट्री है, उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत, और किसी भी देश के साथ नहीं है इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दूसरा कारण यह है कि अभी तक चीन के साथ भूटान का राजनयिक संबंध नहीं है, तो ये कैसे बातचीत करते हैं? ये बातचीत करने का एकमात्र इनका तरीका है दिल्ली स्थित इनके राजनयिक दूतावास, यानी चीन का दूतावास, इधर भूटान का दूतावास, और यह समझौता भी इन्हीं दोनों दूतावास के मातहत चीन के उप विदेश मंत्री और भूटान के विदेश मंत्री के द्वारा हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, व्यक्तिगत रूप से इनकी बातचीत अभी भी नहीं हुई है, और जिसमें यह MOU हुआ है। जी हाँ, यह आश्चर्यजनक है और हालांकि मेरे हिसाब से अच्छी बातचीत है, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर जो लड़ाइयां कई देशों में होती है उसे खत्म किया जा सके। यूरोपियन यूनियन की बात देख ले, उस चीज को उन्होंने बहुत पहले ही खत्म करके एक नए दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। वह बात अलग है कि वहां मजदूरों की क्या हालत है, इकोनॉमिक क्राइसिस की क्या हालत है और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वह सब चीज अलग है, उसकी बातें हम फिर करेंगे। थोड़ी सी बात भूटान की ओर करते हैं। भूटान पहाड़ों में बसा हुआ एक देश है, 1983-85 में मैंने वहाँ पे काफ़ी फ्लाइंग की है, बड़ा ही खूबसूरत जगह है, और उसकी जो पहाड़ों पे बसा हुआ, उसकी जो पीक है, माउंटेन्स हैं, 7,300 मीटर से अधिक, यानी करीब 22,000-23,000 फीट से अधिक की चोटियाँ हैं वहाँ पे। आबादी 7 से 8 लाख के बीच में है और कुल क्षेत्रफल तकरीबन 38,300 किलोमीटर स्क्वायर है, और वहाँ अभी भी राजतंत्र है। हालांकि यह राजतंत्र है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र है, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, वांगचुक है, और ये चूंकि विदेशों से पढ़े हैं, आधुनिक विचारधारा के हैं, इन्होंने खुद ही ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाने की कोशिश की है। लेकिन उसके पहले इंडिया भूटान की जो ट्रीटी हुई, संबंध हुआ, वह 1949 में हुआ और UN मेंबरशिप 1971 में मिला है। भारत के कहने से 1971 में, आपको याद होगा, बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और भूटान भारत के बाद से दूसरा देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। और जिस चीज की मैं बात कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वह जुलाई 2008 में हुआ है। जी हाँ, और वहां की GDP PPP के बात करें तो तकरीबन 7.5 बिलियन है,
जबकि नॉमिनल जिसकी हम अक्सर बात करते हैं 2.5 बिलियन है। और इसके बाद जब भूटान की विदेश नीति स्वतंत्र होने लगी, यह सार्क का फाउंडेशन फाउंडिंग मेंबर में से एक बना और कई फोरम अंतर्राष्ट्रीय फोरम के यह मेंबर बना, जैसे नाम बिमस्टेक, IMA, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, WHO, और 54 देशों के साथ इसका राजनयिक संबंध हो चुका है और 45 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें कुछ का नाम मैंने ऊपर दिया उनके साथ भी संबंध हो चुका है। और जहां तक विदेश नीति की बात है, इन्होंने आर्टिकल 20 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया था 2008 में और कहा था कि भूटान की विदेश नीति अब भूटान की सरकार करेगी। चूंकि भूटान की सरकार भूटान के जनता के द्वारा चुनी गई है, इसलिए वह भारतीय सरकार पर निर्भर ना करेगी। और उसके तहत उसके बाद भूटान ने काफी प्रगति की है। HDI में भूटान साउथ एशियन कंट्रीज की बात लें तो तीसरे स्थान पर आता है, दूसरे पर बांग्लादेश है। और इस तरह से एक काफी खुशहाल देशों में से भूटान आता है। और हालांकि अभी भी एक राजतंत्र का रूप है, वैसे कहें तो इंग्लैंड भी राजतंत्र का ही रूप है, लेकिन इंग्लैंड उस मामले में प्रजातंत्र का की तरफ ज्यादा बढ़ चुका है, भूटान नहीं है। लेकिन भूटान का संबंध यदि चीन के साथ बढ़ता है, भूटान का व्यापार संबंध बढ़ता है चीन के साथ, तो भारत के लिए एक और झटका है। चूंकि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध तो आपको पता ही है, बर्मा के साथ भी कोई खास अच्छा नहीं रहा जबकि चीन के साथ बढ़ता रहा। बांग्लादेश इसको बराबरी का तकरीबन संबंध रखता है, नेपाल चीन की तरफ झुक चुका है हमारी अपने गलत विदेश नीतियों के कारण। श्रीलंका के साथ भी वही स्थिति है साथियों, यह हमें सोचना होगा। हम इस देश में रहते इसका मतलब यह नहीं है कि हम विदेश नीति हम अनदेखा करें। धन्यवाद दोस्तों।